नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। मैं हूं रत्नाकर, आपका होस्ट। भारत की एक अपनी परंपरा रही है आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार, जो है इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। गए 1.5 साल से हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे हैं और इस दौरान हम अपने शारीरिक अवस्था के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, और इसका जागरूक होना स्वाभाविक भी है क्योंकि एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जीना हम सबका हक है। तो ये सेहतमंद जिंदगी किस तरह से हम जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है, मैं उन डॉक्टर साहबान का यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अतुल तेलरांडे सर का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी भी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है, मैं बताना चाहूंगा कि आम्ल पित्त एसिडिटी, हर चौथे या पांचवें आदमी में हमें ये बीमारी दिखेगी। तो आज ये आम्ल पित्त के ऊपर में हम बातचीत करने के लिए आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं पूछता हूँ डॉक्टर आकांक्षा जी से, आम्ल पित्त यानी एसिडिटी, ये आम तौर पर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तकलीफमंद है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा आदमी बोलता है कि एसिडिटी एसिडिटी की प्रॉब्लम। क्या है ये एसिडिटी? एसिडिटी का मतलब पेट में एसिड का बढ़ना, जो हम खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं और आम रूप ले लेता है, जिससे हमें पेट से लेके गले तक जलन, दर्द, पेट फूलना, उल्टी जैसा महसूस होता है, ये सब लक्षण को हम एसिडिटी या अम्लपित्त कहते हैं। डॉक्टर तेलरांडे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि जिससे ये एसिडिटी या अम्लपित्त जो है हमारे शरीर में बढ़ता है, उसकी हमें तकलीफ होती है? अम्लपित्त जैसे मैडम ने बताया रोग, एसिडिटी यानी शरीर में या स्टमक में एसिड का बढ़ना। नॉर्मली शरीर या स्टमक में एसिड ये होता ही है, डाइजेशन के लिए होता है, उसे हम अग्नि कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जी। ये डाइजेस्टिव एंजाइम अगर विकृत स्वरूप में, विदग्ध पाक आयुर्वेद की संस्कृत में इसको कहा जाता है जी, अगर विकृत तरीके से तैयार होता है, उसका पीएच अगर कम हो जाए, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको अम्ल पित्त के तौर पर समझते हैं। अब इसके कारण क्या होंगे? कोई भी चीज़ विकृत होने के कारण, इनटेक विकृत होना, अगर आपका खाना अगर प्रॉपर नहीं है, अगर वो विदग्ध पाक स्पाइसी है, ऑयली है, बेटाइम है और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या बनेगा? जैसे मैडम ने बताया आम पाक तैयार हो, आम और विदग्ध पाक तैयार हो, तो एसिड भी वैसे ही तैयार होगा, यानी आपका पित्त विकृत हो जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से, और फिर आपको एसिडिटी तैयार हो जाएगी। तो उसके कारण, सबसे पहला कारण तो आयुर्वेद में लिखा है रोगा सर्वे भी मंदाग्ना, अग्नि अगर मंद हो जाए, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ना रहे आए हुए फूड को डाइजेस्ट करने के जी, तो वो जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, उसे हम आम बोलते हैं जी। जब वो हीट ज़्यादा तैयार करता है, यानी विदग्ध होता है, जल जाता है, तब उसको हम अम्ल पित्त की तरफ देखते हैं, यानी वो पर्टिकुलरली स्टमक में एसिड ज़्यादा सिक्रिट करता है, उसे अम्ल पित्त कहा जाता है। जैसे कि आपने कारणों के बारे में पूछा, तो इनटेक और अग्निमंद दो बात होगी जी। अब अग्निमंद में होने के कारण क्या क्या है? आप अत्यशन, अध्यशन, ये जो टर्म्स आयुर्वेद में आई है, इसको थोड़ा एलेबरेट करके भी बताइए। अनशन जी, ठीक है, या विषमाशन, इसका मतलब होता है अधिक खाना, खाने पे खाना, इनडाइजेस्टेड खाने पे वापस खाना, टाइम बे टाइम खाना जी, भूख ना लगने पे खाना, भूख नहीं है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी भी कम हो चुकी है, उसके ऊपर भी खाना जी, ये टर्म्स है। तो नियमों का उल्लंघन करके खाना जी, मतलब एक फूड जो अपने एक शरीर ने एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल को अगर कहीं हम ब्रेक करते हैं तो ये पॉसिबल है कि हमें एसिडिटी हो। बहुत सारे लोगों का कैसा है, खाना खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता जी, रूटीन डिस्टर्ब रहता है, या फिर जैसे खाने का टाइम या डाइजेशन का टाइम होता है दिन में 11 से 1, यानी उस समय जब सन अपने सर पे होता है जी, उस समय अपने अंदर पित्त सिक्रिट होता है पेट में और आपको भूख लगती है, और वो डाइजेशन का बेस्ट टाइम होता है, तो उस समय हैवी मील लेना चाहिए। अगर वो टाइम स्कीप हो गया, आपने बाद में मील ले लिया या पहले हैवी मील ले लिया, तो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा, अग्निमंद होगा और एसिडिटी। अब बात करते करते आपने एक अनशन ये शब्द का प्रयोग किया था, अनशन यानी मैं समझता हूँ उपोषण या उपवास, तो क्या भूखे रहने से भी एसिडिटी है? 11 से 1 का समय है जी, उस समय आपका अग्नि प्रज्वलित हुआ है, यानी डाइजेशन का समय आ चुका है, एसिड सिक्रेशन स्टमक में हुआ है, एंजाइम्स आई है, और उस समय आपने कुछ नहीं दिया अगर आपके पेट को, तो व्हाट विल हैपन, वो अंदर पेट के अंदर की जो फ्लोरा है जी, वो म्यूकोसा है, अंदर का जो वॉल है, उसी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, उसी से आगे जाके अल्सर होता है। अम्ल पित्त का आगे का कॉम्प्लिकेशन है अल्सर,
अम्ल के पित्त को हम GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें हार्ट बर्न यानी जलन महसूस होना जी, खट्टे डकार आना जी, उबकाई आना, मछली आना, वॉमिटिंग होना जी, या फिर कई बार सुबह सुबह ब्रश करने के बाद पित्त बाहर पड़ना जी, ये सारी चीजें देखने में आते। कई लोगों को चक्कर आते यही एसिड अनईजी फील होते, हार्ट में हैवीनेस, कई बार ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कई बार एसिडिटी से फीलिंग आती है, कई बार ये दोनों कंडीशन साथ में देखी जाती है। एसिड को दबा दो या फिर यही एसिड बाद में जाके आपके स्किन पे आ जाता है, जिसे हम शीत पित्त कहते हैं, अर्टिकेरिया कहते हैं, वही एसिड अगर नीचे एनल रीजन में इंपैक्ट दिखाएगा तो मूड़वेद तैयार करेगा, यानी हम पाइस जो हम बोलते हैं वो भी तैयार हो सकता है। तो देयर यानी अम्ल पित्त एक डिजीज है एक प्रकार का, जो अग्निमान्द से निर्मित है, उसके यहाँ से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये आने आगे चलकर बढ़ती हुई बीमारियों का एक छोटा सा स्वरूप है, अगर जिसको समय रहते अगर आपने ठीक नहीं किया तो ये आपको मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस आपको दे सकता है। डॉक्टर साहब, अब जैसे हमने पता किया कि आम्ल पित्त यानी एसिडिटी जो है वो इस तरह से होती है, आपके पास में पेशेंट आने के बाद में इसका निदान आप कैसे करते हैं? राइट, सबसे पहले तो जैसे मैडम ने बताया कि क्या क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम पेशेंट अपने को आके ही बताता है कि सकाळी सुबह ब्रश करने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, पित्त बाहर पड़ जाता है, डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, जलन सी महसूस होती है, ओके, और कुछ भी खाया तो एसिडिटी होती है। उसका पहला वर्ड ही होता है कि मुझे एसिडिटी बहुत होती है, उनका एक डायग्नोसिस ही होता है, वो वर्ड ही होता है। तो सिम्टम्स जो वो बताता है वो और उसकी हिस्ट्री टेली, उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट ने अब खाने का रूटीन उसका प्रॉपर है कि नहीं, क्या क्या खाता है, कैसे कैसे खाता है, वो सारी चीज़ें हम इनिशिएट करते हैं और उसके बाद हमको पता चल जाता है कि पेशेंट इज सफरिंग फॉर GERD और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी। उसके साथ साथ अगर आपको इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करके इन्वेस्टिगेट करना है तो देर इज गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी यानी स्टमक को स्कोप डाल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट वो करते हैं, मॉडर्न साइंस आपके अंदर की स्थिति कितनी किस पैरामीटर पे डैमेज हो चुकी है या कितनी ठीक है आप पता कर पाए। इसके साथ साथ लीवर इन्वॉल्वमेंट भी होता है कई बार जी, तो हमको लीवर सोनोग्राफी यानी USG अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द स्टमक या फिर एब्डोमिनल कैविटी का करके देखते हैं, उसमें भी आपके अलग अलग ऑर्गन्स के स्टेटस मालूम पड़ जाती है। ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट भी देखा जा सकता है, ब्लड शुगर का भी इसमें फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाता है कि लीवर की जो सिक्रीशंस है वो सही है या नहीं है, तो इससे संबंधित ये इन्वेस्टिगेशन करके आपको फाइनल डायग्नोसिस करना होता है और ट्रीटमेंट उस हिसाब से प्लान करते हैं। डॉक्टर आकांक्षा, आपके तरफ महिलाएं जो है वो ज़्यादातर आती होंगी, क्या ये एसिडिटी की के प्रमाण जो है महिलाओं में भी कम अधिक प्रमाण पर देखा जाता है? महिलाओं को तो ज़्यादातर होता है क्योंकि खाना टाइम पे खाते नहीं जी, और मल मूत्र का विसर्जन रोक के रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन इससे ज़्यादा होता है, उससे भी उनको एसिडिटी ज़्यादा होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान कहीं इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं? प्रेगनेंसी में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, इससे भी ज़्यादा होता है एसिडिटी। डॉक्टर साहब, ये जो एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये हम सिर्फ एक ही बात पे रहते हैं कि एसिडिटी है या इसके भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? एसिडिटी जैसे अम्ल पित्त, इसके टाइप्स अगर देखे जाए जी, तो टाइप्स में आप लक्षणों के हिसाब से उसको ये कर सकते हैं, डायग्नोसिस कोरिलेट कर सकते कि किस स्टेज में, अर्ली स्टेज में है या बहुत यानी अल्सर पे पहुंच गया है, हाँ, या फिर वो स्किन पे आना चालू हो गया, अर्टिकेरिया वगैरह हो गया है आयुर्वेद के हिसाब से। सो अग्निमान्द के या फिर एसिडिटी के ये हम टाइप्स देख सकते हैं, दोषों के हिसाब से भी उसके टाइप देखे जाते हैं, वातज है, पित्तज है, पित्तज है तो ज़्यादा तेज रहेगा, ज़्यादा जलन रहेगी, कफज है तो इंडाइजेशन ज़्यादा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वातज है तो पेट में पेट फूलना, पेट में बर्निंग सेंसेशन होना, इस प्रकार त्रिदोष है तो तीनों के मिक्स्ड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आयुर्वेद के अलग अलग प्रकार हैं, मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसकी कंडीशन के हिसाब से क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली, और कभी कभी फिर अभी एक्यूट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कई बार सहन शक्ति के बाहर, टैबलेट लेके भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, फिर उसको IV वो पेंटोसिड वगैरह इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन के हिसाब से वो लोग उसको जिसे हम एसिडिक अटैक कह सकते हैं, एसिडिटी अटैक जो बोलते हैं, तो या उसमें वो दो इसमें वो लोग उसको टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अग्निमान्द्य ये एक टर्म आपने यूज किया था, तो ये अग्निमान्द्य क्या है और इसका डायरेक्ट एसिडिटी से क्या संबंध हो सकता है? देखो, अग्नि यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके गट में या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरुआत यानी राइट फ्रॉम टंग टू द एनस, जितना भी डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होता है जी, तो वहाँ पे टाइमली बराबर वो एंजाइम्स आती है जी, और आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाटर
जो जो न्यूट्रिएंट्स आप खाते हैं उनको प्रॉपरली वो एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जो भी पावर अंदर है, चाहे लीवर के सीक्रेशंस बाइल हो, पैनक्रियास का इंसुलिन हो, या फिर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, वो सारे के सारे आयुर्वेद में अग्नि इस टर्म के अंदर आते हैं। अग्नि यानी जलन। जैसे हम फूड कुक करते तो फायर लगाते, वैसे ही कुक्ड फूड खाने के बाद पेट के अंदर वापस उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो डाइजेस्टिव पावर इन द बॉडी इज नोन एज अग्नि। ये अग्नि मंद हो जाना, मंद होना यानी कमजोर पड़ जाना, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल न रहना, जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, यानी आपके लिए कोई भी फूड हैवी हो जाता है। तो अग्नि मंद से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एसिडिटी और उसके साथ संबंधित सारे विकार तैयार हो सकते। एक आज की जो हमारे जीवन शैली है उसको कह लीजिए, या आज हम जिस स्ट्रेस के से हम जीवन जी रहे हैं, हम सब एक मानसिक तनाव के अंदर हमारे एक जीवन शैली चल रही है। कोरोना की बात ले लीजिए, काम की टेंशन ले लीजिए, परिवार का टेंशन ले लीजिए, तो क्या ये मानसिक तनाव भी हमारे इस एसिडिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखो आयुर्वेदिक श्लोक है, रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम सा जी। चिंता करने से आपकी रसवाहिनी यानी डाइजेशन से बनने वाला जो आहार रस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। इवन आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ठीक से सिक्रेट नहीं होते। देखो मूड अच्छा रहा तो भूख लगती है, मूड खराब हो जाए, आदमी तनाव में स्ट्रेस में हो तो भूख भी नहीं लगती और खाने की इच्छा भी नहीं, खाने की इच्छा भी नहीं होती। अब जैसे जैसे खा लिया तो आपने देखा होगा कभी हम लोग बहुत गुस्से में है या बहुत स्ट्रेस में है या इस काइंड का मेंटल स्ट्रेस अगर है तो यू विल सी कि आप फट से एसिडिटी आपको फील होती है। जैसे ही रिलैक्स आदमी रहेगा कुछ भी खाएगा तो पचेगा। तो आयुर्वेद में भी और मॉडर्न साइंस में भी सो क्लियर कट उन्होंने बताया है कि मेंटल स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेंटल स्ट्रेस से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एसिडिटी डेफिनेट हो सकती है, GRD या फिर उस काइंड के डिसऑर्डर्स बिल्कुल आपको देखने में मिलते हैं। डॉक्टर आकांक्षा, आजकल देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मानसिक तनाव तो है ही, लेकिन आज एक मॉडर्नाइजेशन के जो है आजकल, खास करके आप अगर यंग जनरेशन अगर देखें, और यंग जनरेशन के चलते एक ऊपरी स्तर की जो पीढ़ी है वो भी उनकी फूड हैबिट बदल चुकी है, फास्ट फूड की तरफ जरा ज़्यादा है, आए समय पे ऑर्डर देना, घर में होटल का खाना खाना, तो ये सब चीज़ें और एक लाइफस्टाइल जो है वो भी एक इस तरह से हो गई है कि हर कोई अपने आप में व्यस्त है। तो ये ऐसी स्थिति में भी क्या ये सारी चीज़ें एसिडिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं? हाँ, जंक फूड, ज़्यादा स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, ये सब खाने से हमारे जो पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स जो खाने को डाइजेशन करते, इनको ज़्यादा फॉर्मेशन करना पड़ता है, जिससे हमारे आम या एसिडिटी ज़्यादा पैदा होती है, जिससे एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आजकल जो है झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का एलोपैथी की तरफ बढ़ता है, और कई सारी मेडिसिन जो है हम लोग इनटेक करते हैं जिसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का समावेश होता है। कई ऐसी मेडिसिन है जो जिनकी तरफ हम कई बार तो हम लोग बगैर डॉक्टर के खुद ही अपना इलाज चालू कर देते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं एसिडिटी प्रभावित होती है, क्योंकि हमने देखा है कि एलोपैथी में चार मेडिसिन के साथ में एक तो आपको एंटीसिड दिया ही जाता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेडिसिन आफ्टर ऑल क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं जी। तो कई बार मैक्सिमम आप एंटीबायोटिक्स देखो वो उन्होंने इस प्रकार से बनाए हुए होते हैं कि वो जाके एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाए, बराबर। तो आपके इंटेस्टिनल pH को वेरी ज़रूर करता है, लेने के बाद एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है दे कॉजेस लोअरिंग ऑफ द pH, यानी एसिड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, HIN बढ़ा देती है जी, मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी मेडिसिन। तो इसीलिए कंपल्सरीली बहुत सारे फिजिशियंस या फिर डॉक्टर्स, जैसे पेन किलर्स होगी, एंटीबायोटिक्स होगी, ये डेफिनेट एसिडिटी बढ़ाती है, तो उसके साथ प्रॉपरली वो लोग एंटासिड देते ही, एंटासिड बोलिए या फिर एसिडिटी न बढ़ने की जो दवाई है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स है, एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन, वो डेफिनेटली देते हैं। सो अगर कंसिस्टेंट है, 3-4 दिन के लिए ठीक है, 1 वीक के लिए ठीक है, ये मेडिकेशन चलता है तो छूट जाता है आदमी, बट लॉन्ग टर्म में इवन आप जैसे एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन देखेंगे तो AKT जो किट्स आती है वो कंपल्सरी, वो कई बार तो लीवर डिसऑर्डर भी कॉज करती है, इतनी हीटेड या भयंकर होती हो, तो उसके साथ एंटासिड तो दिया ही जाता है और साथ में कुछ लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी देते हैं। कई बार तो आपको थेरेपी स्टॉप करके लीवर
प्रोटेक्शन करना पड़ता है। सो वो मेडिसिन का स्वभाव ही है जो एसिडिटी कॉज कर सकता है डेफिनेटली, और इसीलिए एलोपैथ उसकी केयर लेके एंटासिड्स देते हैं। तो अगर मैं ये एलोपैथिक एंटासिड अगर एक लंबे समय तक लूँ तो कहीं ना कहीं इसके भी तो दुष्परिणाम की संभावना है। डेफिनेटली दुष्परिणाम, अब जैसे हम लोग उसके आयुर्वेद में क्या कहते हैं, जो पित्त सिक्रेट हो रहा है उसको अगर पित्त विकृत हो जाए तो अम्ल पित्त हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं उसको नॉर्मलाइज कर देते जी, अम्ल हुआ पित्त उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, यानी हम एसिडिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथी में कैसा है तो उसको स्टॉप कर देते हैं, एंटासिड्स देखिए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप, एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन या प्रोटोन पम्प इनिबिटर्स जैसी मेडिसिन दे के स्टॉप कर लेते हैं। उससे क्या होगा, पित्त इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, स्टमक में नहीं आएगा, लेकिन वो तो बॉडी में तो घूम ही रहा है तो जाके स्किन पे आ जाएगा। बाद में जाके देखते हैं आप कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हम शीत पित्त या फिर अर्टिकेरिया जैसे डिसऑर्डर्स आपको नजर आते हैं। सो ये डेफिनेट यानी जो स्टॉप करने वाला जो प्रोसेस है वो बॉडी में कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। एक हम आमतौर पर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमने बीमारी को तो जान लिया लेकिन ये बीमारी हो ही ना या इसको टाला जा सके, इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन हम लोगों ने लेने चाहिए? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, मैडम ने भी बताया कि एसिडिटी का कॉज क्या है जी, तो इनडाइजेशन है, अग्निमांदे, अग्निमांदे हो जाना एसिडिटी का सबसे पहला कारण, स्ट्रेस हो जाना, जंक फूड स्पाइसी फूड खाना, टाइमली ना खाना जी, खाने पे खाना, खाना डाइजेस्ट ना होने के बाद भी खाना या ना खाना, भूखा रहना लंबे समय, खाने के समय पे ना खाना जी, ये सारी चीजें अगर आप प्रिवेंट करते यानी इसका आप इस उसको प्रिवेंट करते एक, आप अपने अवॉइड करते या अपने लाइफस्टाइल को एक टाइम टेबल बना कर लेते हैं, चलते हैं रूटीनली खाना खाते हैं और जागरण करना, रात को जागरण करना, ये तो आम आजकल तो जैसे आम हो गया कि बहुत रात तक जागना और सुबह देर तक उठना, तो आपको मैक्सिमम लोगों में ये चीज दिखती है, एसिडिटी नहीं है ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा। मैंने इसीलिए कहा कि हर दूसरे या तीसरे लोगों में ये एसिडिटी तो जुबान पर कि यार मुझे आज एसिडिटी हो गई है, इसलिए एसिडिटी वर्ड नॉन मेडिकल टर्म के लिए भी कोई अब नया नहीं रहा नहीं। और वो काउंटर पे बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए लेते ही रहते लोग, रैंटेक लेंगे इस काइंड की मेडिसिन जी। सो इन सब कारणों को हटा के अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं तो एसिडिटी नहीं होगी। नॉर्मल टाइम पे खाइए और आपकी जितनी डिमांड है, अब हम लोग खाना कैसे खाते हैं, अच्छा लगा तो जम के खा लेते हैं और नहीं लगा तो कम खाते हैं, ये भी सही नहीं है। यानी खाने का प्रमाण भी फिक्स होना चाहिए, 19-20 चलता है उसमें, जितना आपका यानी चरक में लिखा हुआ है कि त्रिविध कुक्षेन ऐसे खाना खाना चाहिए, यानी आपके स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, आधा स्टमक सॉलिड हो, जो आधा बचा स्टमक है उसमें 1/4 लिक्विड हो और जो 1/4 बचा है वो वैकेंट होना चाहिए। तो आपको खाना ऐसे खाना चाहिए, पूरा पेट 100% भर के खाना नहीं खाइए। डॉक्टर साहब मैं आपको इसलिए रोका, आपने जो बात की सलाह आपकी अच्छी है लेकिन हमारा कैसा है कि जिस दिन सब्जी मनपसंद हो उस दिन 2 रोटी अपने आप ज़्यादा चली जाती है, जिस दिन सब्जी मनपसंद ना हो तो उसमें उस दिन 1/2 रोटी कम जाती है, तो हम भी वो एसिडिटी का वेलकम तो कर ही रहे कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो उन्होंने साफ साफ इस काइंड का बता दिया। अब ये जो डिविजन है स्टमक है, सब स्टमक का अलग अलग रहेगा, सबके स्टमक एक साइज के, समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी उन्होंने लक्षण बताया कि आप जब भी खाना खाने के बाद आपको लगे कि अभी मैं पेट भर सकता है अगला खाऊंगा तो वहाँ स्टॉप हो जाए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद, आधे 1 घंटे बाद पीना चाहिए, नहीं तो स्टमक फुल हो जाएगा और डाइजेशन विल नॉट बी प्रॉपर और वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका अग्निमांदे और एसिडिटी। बीमारी हमने समझ ली, इसको प्रिवेंट कैसे करना है हमने समझ लिया, लेकिन ये इसके बावजूद भी अगर बीमारी हो तो इसका ट्रीटमेंट भी होता है जी, वो ट्रीटमेंट क्या है? हो गया है तो क्या करें, अब उसके लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा जी। डॉक्टर आपको आयुर्वेद में तो जनरली ट्रीट द कॉज यानी निदान ही आधी ट्रीटमेंट है, तो निदान परिमार्जन बोलते हैं उसको, यानी उसको हटा दीजिए जिससे वो होता है जी। तो हिस्ट्री टेकिंग में डॉक्टर वो इनिशिएट कर लेते कि किन कारणों से हुआ, उन कारणों को हटाने के लिए बोलेंगे। आजकल वो कारणों को हटाना महामुश्किल काम हो गया, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये कारण रूटीन में आ चुके हैं, आपके लाइफस्टाइल में ही आ चुका है, पहले की लाइफस्टाइल देखिए आप लोग, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही कठिन काम हो गया जाते हैं, उनके रूटीन में आ चुका है वो जी। तो एसिडिटी होनी ही होनी, अब फिर क्या करें, तो जितना हो सकता है उसमें मॉडिफिकेशन करें और मेडिसिन लें। फिर हम मेडिसिन में बहुत सारी, सबसे पहले तो हम पचन ठीक करने के लिए हमारे पास एक पचनारिष्ट नाम का अच्छा सिरप है, अगर उसमें हम मोती पिष्टी आती है वो डाल दे तो बहुत सही रिजल्ट आ जाते हैं, उससे जो एसिड बन रहा है वो टोटली न्यूट्रल हो जाता है और पित्त नॉर्मलाइज हो जाता है। चाहे फिर आप खाने पीने में कितना भी गड़बड़ करें फिर भी वो आपका पेट सही रह जाता है। उसके अलावा लिवरॉल नाम का सिरप है, लिवर सिक्रेशन अच्छा करता है, एसिडिन नाम की टैबलेट बनाई है हमने, वो बहुत अच्छा काम करती है एसिडिटी के ऊपर, यानी जितना भी डिस्टर्बेंस स्टमक में अग्निमांदे की वजह से हुआ है वो अग्नि को राइट करके
नॉर्मलाइज कर देते हैं। उसके बाद लिवोटेक्स नाम के कैप्सूल बनाई है जो लीवर के ऊपर और अच्छा काम करती है। इस काइंड की बहुत सारी पित्त शामक औषधियाँ हैं, इवन लैक्सेटिव्स भी कुछ आते हैं, सुखसारक वटी या सुखोदय चूर्ण करके हमने बनाया है, वो इजीली सारे के सारे पित्त को कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन होती है, एसिडिटी हो सकती है, रिफ्लक्स में, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, पूरा जीआई ट्रैक्ट वेगस नर्व से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे के साथ इंपल्सेस। बिल्कुल, आपका इंटेक और आउटपुट दोनों ही अगर सही होगा तो ही बैलेंस रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, तो एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस काइंड की ट्रीटमेंट करके हम कुछ और प्रिवेंटिव चीज़ें बताते हैं उनको जो कि एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए कारगर साबित होता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आयुर्वेद में एक ही सेंटेंस है, रोगा सर्वेपि मंदागुण। जी, सभी रोगों का एक कारण अग्निमंदगुण। अब अग्निमंद, उसी से रिलेटेड हमने एसिडिटी की बात की। उस टॉपिक पे चरक ने ग्रहणी नाम का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा। जी, उसमें एवरी डिसीज इज कंसर्न टू द एसिडिटी और अग्निमंद, तो हर रोगों का मूल आपका पेट। तो आपके लिए एक ही टेक होम मैसेज है कि आप हमेशा इसका ख्याल रखिए, तो बाकी ऑर्गन्स की तरफ ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सही रहेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन सही बनेगा तो सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन सही सप्लाई होगा, तो देर विल बी नो डिस्टर्बेंसेज, अदर डिजीजेस तैयार ही नहीं होते। मैक्सिमम ऑफ डिजीजेस आर प्रिवेंटेड और क्योर इफ यू क्योर योर स्टमक, क्योर योर डाइजेशन। अगर आपका पेट सही है तो बोलते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर आकांक्षा, महिलाएं भी ये कार्यक्रम देख रही हैं, आप महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें क्या बताना चाहेंगी? अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रह सकते। आज की चर्चा जो हमने की थी वो की थी आम्लपित्त इस विषय पर, और मैं समझता हूँ कि ये डिसीज को हम हमारी थोड़ी सी लाइफस्टाइल में बदलाव करें, हमारा एक टाइम टेबल अगर हम फिक्स करें तो अगर हम एसिडिटी से बचे तो कई ऐसी बीमारियां जिससे हमारा बचना संभव हो सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ रहना ये हमारा अधिकार भी है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य भी है। डॉक्टर अतुल तेलरांदे जी ने और डॉक्टर आकांक्षी जी ने हमारे से बात की, बहुत अच्छी हमें सलाह दी है, और ये हमारे ऊपर में निर्भर है कि इस कोरोना काल में हम किस तरह से हमारा जीवन यापन करते हैं और किस तरह से हम अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं। हम फिर से ऐसी ही मुलाकात के साथ में आपके साथ में हाजिर होंगे, तब तक हम चाहेंगे इजाज़त। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों से बात करने के लिए।